अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलीम हैदर और आप देख रहे हैं SHK डेटा समझ। जी आज मैं एक खास टॉपिक लेके आया हूं। मेरे दोस्तों ने इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट की है इस टॉपिक की। ये टॉपिक है एक्सेल में प्रिंट सेटिंग्स। यकीन जानिए एक्सेल में प्रिंट सेटिंग्स इतना मुश्किल काम है। क्या वाकई मुश्किल काम है? अरे भाई, तुम्हें एक पेज प्रिंट करने के लिए कहा था, किधर है वो? ओ भाई, एक पेज था, ये तो इतने सारे पेज हैं। अरे ये क्या, सिर्फ एक डॉट है इस पे? आपको नजर आ रहा है सिर्फ एक डॉट? भाई ये होता है जब आपको प्रिंट सेटिंग्स का पता ना हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, प्रिंट सेटिंग्स बहुत आसान काम है। आज मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले। कर लिया है ना? तो आए मैं आपको सिखाता हूं। जी दोस्तों, अगर आपने प्रिंट सेटिंग सीखनी है तो आपके पास होनी चाहिए बहुत बड़ी शीट। तो ये वाली शीट मेरे पास है, जो कि आप देखें कि अगर इसकी लेंथ चेक करें तो ये कितनी लंबी शीट है, और अगर इसकी विड्थ भी चेक करें तो भी ये पी तक जाती है। तो भाई ये एक पेज का काम तो नहीं है। तो इससे हम बिल्कुल सही सीख सकेंगे कि प्रिंट सेटिंग्स एक बड़ी शीट की कैसे करते हैं। तो छोटी शीट्स का तो आपके लिए बाएं हाथ का काम होगा। तो बेशक अगर आपने प्रिंट सेटिंग भी करनी है तो आपको डेटा का जरूर पता होना चाहिए। तो डेटा है ऑर्डर्स का टेबल, तो उसमें ऑर्डर नंबर है, आपके पास ऑर्डर की मुख्तलिफ डिटेल्स हैं। तो इस शीट को प्रिंट करने से पहले आपने ये देखना है कि ये शीट दिखती कैसे है प्रिंट में। तो उसके लिए आप दबाएंगे कंट्रोल पी, तो ये शॉर्टकट की है प्रिंट की। ये आपको प्रिंट प्रीव्यू में ले जाएगा। आप प्रिंट प्रीव्यू में किसी और तरीके से भी जा सकते हैं, मैं एस्केप दबा रहा हूं। आप यहां से फाइल में जाएं और उसमें ये प्रिंट की ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपके पास वही प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। तो यहां पे देखें तो ये आपको बता रहा है कि जी इसमें 138 पेजेस हैं। और अगर हम पेज टू पे जाएं तो लो भाई, ये तो पूरा भी नहीं आ रहा, और चौड़ाई में भी ये तकरीबन 3 4 6 कॉलम्स हैं सिर्फ। तो यहां से आपके पास प्रिंट प्रीव्यू आ जाता है, आपको फाइल प्रिंट करने से पहले पता चल जाएगी कैसी है। अब मैं कहता हूं भाई, ये तो हो गया मसले मसाइल, इसको ठीक कैसे करना है? तो पहले मैं आपको सिखाता हूं ठीक करने का सबसे बेहतरीन शॉर्टकट। ये मेरा आजमाया हुआ शॉर्टकट है कि आप जाएं पेज लेआउट में, ऊपर रिबन पेज लेआउट का आपको मिल जाएगा, इसको मैं पिन कर देता हूं। तो पेज लेआउट में आप यहां पे जो कॉर्नर पे एरो है उसको क्लिक कर दें, ताकि आपके पास पेज लेआउट का पूरा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए। तो पेज की ऑप्शन में आपके पास यहां पे दो ऑप्शंस आ रही हैं। एक है एडजस्ट टू, जो कि एक परसेंटेज है, उसको आप भूल जाएं। दूसरा है आपके पास फिट टू। अगर आपको लगता है कि जो आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स है वो बहुत ज्यादा नहीं है, और अगर एक पेज की चौड़ाई पे वो आ जाए तो समझ आ जाएगी, पढ़ा जाएगा, तो आसान, सबसे आसान काम आपने क्या करना है, फिट टू वन पेज वाइड, यानी कि सारा कुछ वो एक पेज की चौड़ाई पे ले आएगा। और लंबाई कितनी होनी चाहिए? 2000 अगर रोज हैं तो भाई एक्सेल पे छोड़ देते हैं ना, इसको मैं करता हूं डिलीट। और जो आम तौर पे प्रिंटर में पेज इस्तेमाल होता है वो A4 साइज का होता है। तो पेपर साइज में आके आपने यहां पे A4 को क्लिक करना है, और ओके करते साथ ही एक जादू होगा। ओके, अरे भाई कुछ नहीं हुआ, हुआ है ना? आप दोबारा प्रिंट प्रीव्यू में जाएं, कंट्रोल पी दबाएं, तो देखें क्या हुआ है। अरे वाह, सारे कॉलम एक पेज पे आ गए। तो नंबर ऑफ पेजेस देखें, 18 रह गए। अब हमने सिर्फ ये देखना है कि क्या ये पढ़ा जाता है कि नहीं। चलो थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा, हम अगर इसको क्लिक करते हैं जूम टू पेज,
तो ये देखें, इसने हमें थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दिया पेज, और ये बता रहे हैं हाँ भाई चूंकि डाटा इतना बड़ा है तो ठीक ठाक पढ़ा जाएगा, कोई मसला नहीं। अब इसमें सिर्फ एक इशू आ रहा है, क्या आपको पता चल रहा है कि ये वाला कॉलम कौन सा है या फिर ये वाला कॉलम कौन सा है? ओहो, हेडिंग्स तो वही पहले पेज पे रह गई। तो क्या तरीका है ऐसा जिससे हम हेडिंग्स हर पेज पे रिपीट करवा सकें ऑटोमेटिक? तो बिल्कुल ऐसा तरीका है, आप वापस जाएं और यहां से आप पेज सेटअप ओपन कर सकते हैं, और उसमें आपको जो शीट वाला टैब है उसको क्लिक करें, यहां पे रोज टू रिपीट एट टॉप की ऑप्शन है, ये इस तरह भी आप लेके आ सकते हैं। बल्कि अगर आप पेज लेआउट रिबन में पेज सेटअप पे प्रिंट टाइल्स को क्लिक करें तब भी ये आपके पास ऑप्शन डायरेक्टली आ जाएगी। तो रोज टू रिपीट एट टॉप के ऊपर वाली कौन सी रोज है जो आप रिपीट करवाना चाहते हैं, मैं कोई भी ये वाली रोज भी सिलेक्ट कर सकता हूं। तो आपने जस्ट क्लिक करना है वो रोज जो आप रिपीट करवाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये ऊपर वाली हेडिंग भी रिपीट हो तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले पेज पे ये काफी है। अगले पेज पे अगर मुझे सिर्फ कॉलम का नाम मिल जाए तो बहुत है। तो ये देखें, उसने पूरी रो का रेफरेंस दे दिया है। इधर मैं ओके प्रेस करता हूं, अब जाते हैं कंट्रोल पी दबाते हैं, तो देखें भाई इसको एक्सपेंड करूं, पहले पेज पे तो पहले भी आ रही थी, अगले पेज पे देखते हैं, पेज टू थ्री फोर फाइव, ले भाई ये तो सारे पेजेस पे आ गई। अब आ जाते हैं, थोड़ा बोरिंग काम भी कर लेते हैं जिसमें हम ये सीखेंगे कि भाई मैनुअल तरीका क्या है और इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो वो मैं आपको बताने के लिए एक छोटी सी दोबारा गड़बड़ कर लेता हूं, जो कि पेज सेटअप में जाके मैं ऐसे कहता हूं भाई मुझे ये एडजस्ट कर दो, और ओके इसको मैं 100 कर देता हूं, ये मैं बताता हूं क्या कर रहा हूं मैं, और ओके कर दिया। अब मैं अगर दोबारा कंट्रोल पी दबाऊं तो देखें वो पुरानी वाली हालत में वापस आ गया है। तो भाई जब आपके पास इस तरह की सिचुएशन हो और आपको ये समझना आ रही हो कि भाई मैं एक पेज की विड्थ कर दूं, चौड़ाई कितनी करूं, क्या करूं, तो उसका एक आसान तरीका है कि आप एक्सेल के अंदर व्यू के अंदर पेज ब्रेक प्रीव्यू को क्लिक करें। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये भी एक किस्म का आपके पास प्रिंट प्रीव्यू आएगा, और इसमें आपको पता चल जाएगा कि पेजेस कितने बना रहा है, कैसे बना रहा है। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम इसको खींच के हम कहते हैं कि यार यहां तक तो दिखा दें हमें, बेशक ज्यादा नहीं भी दिखाता। तो देखिए उसने एक पेज ये बना दिया और दूसरा इस साइड वाला बना दिया। तो ये देखें, इस एक पेज है, दूसरा पेज है, तीसरा पेज है, इसी तरह आप इसको भी खींच के बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो उस हिसाब से ये पेज सेटिंग होती रहेगी। तो जब ये देखें मैं खींच के इसको किसी जगह पे पहुंचाता हूं तो ये डॉटेड लाइन से फुल लाइन में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब है कि ये अब प्रिंट में आपको इसी तरह नजर आएगा जैसे अभी आपको नजर आ रहा है। तो इस तरह करते करते आप बहुत सारी पेजेस की सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये कारगर तब होती है जब आपके पास तीन चार पेजेस वाला काम हो, वरना ये पेज ब्रेक वाला काम सूटेबल नहीं है। अगर आपने गलती से पेज ब्रेक्स गलत सेट कर दिए हैं तो परेशान होने की बात नहीं है, एक तो ये कि आप ड्रैग करके इसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा पेज ब्रेक्स को ऊपर नीचे कर दिया है और वापस ओरिजिनल हालत पे लाना चाहते हैं तो आप कहीं भी राइट क्लिक करें और यहां पे आ जाएगा रीसेट ऑल पेज ब्रेक्स, तो ये ओरिजिनल हालत में आ जाएंगी और फिर आप इसको अपनी मर्जी से ड्रैग करके सेट कर सकते हैं। अब आते हैं हम पेज लेआउट में दोबारा, और इसको पहले मैं उसी हालत में ले जाता हूं जिसमें हमें एक पेज की चौड़ाई पे सारा डाटा चाहिए था, और मैं यहां पे इसको मैं कहता हूं फिट टू 1 बाय इतने, तो उसने एक पेज पे ले आया है। तो अब मैं जाता हूं कंट्रोल पी पे और आपको 1 बाय 1 सारी ऑप्शंस बताता हूं। तो इधर आप देखें कि पेज की साइडों पे खास मार्जिन छुटे हुए हैं, तो एक चौड़ाई है ऊपर नीचे और राइट और लेफ्ट सारी साइडों पे। तो
तो इसको अगर आप कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो यहां पे प्रीफिक्स मतलब पहले से बने हुए मार्जिन्स हैं, जिसमें वाइड मार्जिन, अगर मैं वाइड करूंगा तो ये इसको और तंग कर देगा, अगर मैं इसको नैरो करता हूं तो ये मार्जिन्स को छोटा कर देगा और सारे डेटा को थोड़ा सा बड़ा कर देगा, क्योंकि हमने इसकी सेटिंग 1/1 पे की हुई है कि जब आप इसको प्रिंट करके इस साइड से पंच करेंगे, क्योंकि आपने फाइल में तो लगाना है इसको, तो जब इस साइड पे पंच करेंगे तो इतनी स्पेस जरूर होनी चाहिए कि आपकी पंच मशीन आपके डेटा को पंच ना कर दे। तो हमेशा आप अपना लेफ्ट मार्जिन इतना रखें कि पंच मशीन से पंच होने के बाद आपकी फाइल या डेटा खराब ना हो। उसके बाद एक और ऑप्शन है कि आप उसका पेज की ओरिएंटेशन कैसे रखना चाहते हैं, कि पेज को लंबाई में प्रिंट करवाना चाहते हैं या चौड़ाई में। तो अभी ये पोर्ट्रेट है जिसमें लंबाई ज्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है, क्योंकि हमारा डेटा ज्यादा चौड़ाई में है तो हम इसको लैंडस्केप भी सेटिंग कर सकते हैं। जो ही मैं लैंडस्केप करूंगा तो देखें डेटा हमें बहुत बेहतर नजर आ रहा है, नंबर ऑफ पेजेस बढ़ जाएंगे इससे। तो ये आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने डेटा चौड़ाई में प्रिंट करना है या लंबाई में। तो देखें वो 38 पेजेस से 40 से ऊपर चला गया, लेकिन हमें बेहतर पढ़ा जा रहा है, तो ये आपने खुद डिसाइड करना है। अगर आपको लगता है कि जी मार्जिन्स इसमें जो पहले से सेट है वो ठीक नहीं है, हमें अपनी मर्जी से सेट करने हैं, तो यहां पे कस्टम मार्जिन आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर पेज सेटअप पे जाके मार्जिन्स वाले टैब को क्लिक करेंगे तो ये आप कर सकते हैं। अब आते हैं एक और ऑप्शन पे जिसमें प्रिंट एक्टिव शीट्स का है। तो ये यहां पे कह रहा है एक्टिव शीट्स, तो अभी आप देखेंगे आपके पास टोटल 46 पेज हैं, क्योंकि शीट हमारे पास एक है सिर्फ। अब मैं एक और शीट प्लस करता हूं और इसमें मैं कुछ भी लिख देता हूं, SHK डेटा समझ, ये मैंने लिख दिया। अब हमारे पास दो शीट्स हैं और मैं इसी शीट में जाके दोबारा कंट्रोल पी दबाऊंगा और यहां पे मैं ऐसे कहता हूं कि प्रिंट एंटायर वर्कबुक। तो हमें पढ़ा था कि बुक उसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं जो शीट्स हैं, तो अब इसमें दो शीट्स हैं और दूसरी शीट में भी मैंने डाटा डाल लिया है, तो एंटायर वर्क बुक करूंगा तो एकदम से देखें यहां पे 47 पेजेस उसने बता दिए। तो ये सारी वर्क बुक को आप एक साथ प्रिंट कर सकते हैं अगर आपने प्रिंट सेटिंग सही कर ली है तो। उसके बाद अगर आपने कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ पेजेस प्रिंट करने हैं, जी पहले 5 करने हैं या 5 से लेकर 15 तक के प्रिंट करने हैं, तो यहां पे मैं लिखूंगा 5 नंबर से लेकर 15 नंबर तक के पेजेस प्रिंट कर दे, और अभी हमने सिलेक्ट किया हुआ है कि पूरी वर्कबुक के, तो ये काम ना किया करें, सिर्फ एक शीट पे आए उसकी सेटिंग देखें और नंबर ऑफ पेजेस सिलेक्ट करें और प्रिंट करें। तो यहां पे मैं कहता हूं एक्टिव वर्कशीट सिर्फ दे, तो ये इस पहली शीट के पेज नंबर 5 से लेकर 15 तक प्रिंट करेगा और फिर स्टॉप कर देगा। अब आते हैं एक और चीज कि भाई मुझे सारा डाटा नहीं चाहिए, बस इतना सा मुझे प्रिंट करके दे दो बस, तो क्या तरीका है? बिल्कुल इसी तरह आप माउस से या कीबोर्ड से उतना एरिया सिलेक्ट करें, कंट्रोल पी दबाएं और फिर प्रिंट एक्टिव शीट्स वाली ऑप्शन पे नीचे प्रिंट सिलेक्शन क्या है उसको क्लिक करें, तो ये देखें सिर्फ जितना हमने डाटा सिलेक्ट किया है वही शो हो रहा है, और जब आप प्रिंट की कमांड यहां से ओके करेंगे तो ये सिर्फ इतना ही एक ही पेज प्रिंट होगा। तो ये बड़ा अजीब सा लग रहा है, बिल्कुल एक साइड पे लगा हुआ है। तो मैं इसको पहले यहां से इसकी ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट करता हूं, तो अभी भी साइड पे है, तो इसको मैं क्या करूं, यहां पे पेज सेटअप में जाता हूं, मार्जिन्स में मैं ये भी कर सकता हूं कि मैं इसका लेफ्ट मार्जिन इंक्रीज कर दूं और ओके करूंगा, तो ये देखें उसने 5 का मार्जिन बना के उसको बिल्कुल स्क्वीज कर लिया एक साइड पे, तो ये बात ठीक नहीं है भाई। यहां पे मैं आके इसको 2 करता हूं या 1.5 कर देता हूं, ओके किया, तो ये देखें बिल्कुल एक बेहतर अंदाज में आ गया है। अभी मैं इसको एक और चीज आपको बताने जा रहा था, तो मार्जिन में जाके इसको मैं दोबारा 0.25 कर देता हूं और ओके दबाया, तो ये देखें कोने में है। अब इसको सेंटर में लाने का एक और भी तरीका है, आपको मार्जिन इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, तो मार्जिन में जाके यहां पे उसे कहें कि जी इसको हॉरिजॉन्टली सेंटर में कर दे और ओके प्रेस करें, तो
तो ये जितना भी डेटा है बेशक एक बॉक्स ही है, तो उसको पेज के सेंटर में ले आएगा, तो ये देखने में भी खूबसूरत लगेगा। और इसको आप वर्टिकली भी सेंटर में कर सकते हैं, वैसे अजीब लग रहा है, लेकिन अगर आपका टाइटल पेज है जिसमें आपने कोई एक आधी हेडिंग लिखी हुई है, तो ये बेहतरीन तरीका है कि आप उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह से सेंटर में कर लें। अब आते हैं जो एक ऑप्शन हमने बिल्कुल छोड़ दी थी, वो थी पेज सेटअप में जाएं तो एडजस्ट टू, ये परसेंटेज क्या बुला रहा है, और ओके करें। तो ये देखें भाई 40% पे उसने क्या किया। अभी हम ये करते हैं कि यहां पे प्रिंट एक्टिव शीट कर देते हैं, और मैं पेज सेटअप में जाके परसेंटेज बढ़ाता हूं, तो देखता हूं क्या होता है। मैं से कहता हूं भाई 100% मुझे चाहिए। तो 100% करने से क्या हुआ है कि उसने बहुत सारा डेटा, क्योंकि वो चौड़ाई में ज्यादा था, तो उसने 100% इसका फॉन्ट साइज रखने के लिए जो ओरिजिनल साइज है, बाकी डेटा इसने अगले पेजेस पे शिफ्ट कर दिया। तो मैं अगर इसको मैन्युअली एडजस्ट करना चाहूं, तो मैं इसी तरह पेज सेटअप में जाके इसकी परसेंटेज रिड्यूस कर सकता हूं और ओके करूं, तो बहुत सारा डेटा और अंदर आ जाएगा, इस तरह आता जाएगा आता जाएगा। मैं 40, 50, 60 में चला जाता हूं, तो 60% पे भी कुछ डाटा बाहर है। तो इस तरह आप इसकी मैनुअली सेटिंग कर सकते हैं। तो भाई जाने से पहले मैं इसको ठीक कर लेता हूं, मैं जाता हूं पेज सेटअप और इसमें कहता हूं कि मुझे लैंडस्केप चाहिए, चौड़ाई में डाटा है मेरा, और इसको फिट टू 1 बाय टॉल मैं कहता हूं कि जी अपनी मर्जी से जितने मर्जी पेजेस बना दे, और A4 पेज पे ही रखे, मार्जिन्स रहने दे, हॉरिजॉन्टली मुझे चाहिए, वर्टिकली इसको सेंटर ना करे, डाटा को आने दे, और उसके बाद हेडर फुटर छोड़ दे। अभी शीट पे मैंने उसे कहा कि जी रोज टू रिपीट है टॉप कर दे, और ओके मैं प्रेस जो ही करूंगा, तो मेरी प्रिंट सेटिंग फाइनल हो गई है। कंट्रोल पी दबाऊं तो हमारे पास डाटा सब तैयार है, इसको आराम से आप प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट सेटिंग की सेकेंड वीडियो में मैं आपको इसकी मजीद सेटिंग्स बताऊंगा, क्योंकि एक सेटिंग में भाई बोरिंग हो जाती है, और आज मैंने आपको इतना मुश्किल काम सिखाया है कि आप ही सोच रहे होंगे कि भाई प्रिंट सेटिंग इतनी मुश्किल है, ऐनी लोगों ने हवा बनाया है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका सेकेंड पार्ट भी बनाऊं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।